है ना। देखो मैंने कल कुछ बोल रही थी तो क्लास टाइम ओवर हो गया था, तो मैंने क्या बोला था, ये जो रूल्स है, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है बेसिकली ये, ठीक है। तो अब दूसरी चीज देखो, जब गुड्स क्या है स्पेसिफिक, इसका मैं एक फर्स्ट हेडिंग लिखवाई थी, लिखवाई थी कि नहीं, When goods are specific or ascertained, यहां तक क्लियर है? When goods are specific or ascertained में ये फर्स्ट था। नेक्स्ट देखो, इसमें हमने डिस्कस किया था कल, सेकेंड क्या था देखो, इसमें स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो ये उसका प्रीवियस वाले का, ये फर्स्ट है देखो। वो फर्स्ट के अंदर ये फर्स्ट था, है ना, ये, या इसको ए बोल सकते हो, ये ए था जो मैंने लिखवाया था, और ये ए के अंदर क्या है, फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये ए का सेकंड है, क्या है ये, सेकंड, ये वो जो ए था उसका फर्स्ट था, और ये क्या है, इसका सेकंड है। अब नेक्स्ट इसमें देखो, अब ये देखो, ये जो अनएसर्टेन गुड्स दिया, ये वाला आपका हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। अब वो ए के अंदर दो लिखवाए, उसमें ना एक तीसरा ऐड करना है जो उसमें एडेड नहीं है। देखो क्या ऐड करेंगे हम उसमें, थर्ड स्पेसिफिक गुड्स, ये तो सेकेंड था, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट ऐड करेंगे अपन, व्हेन गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स, अपन स्पेसिफिक की बात करें तो व्हेन स्पेसिफिक गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, वो डिलीवरी की स्टेट में तो है, बट सेलर हैज टू डू समथिंग टू एसरटेन द प्राइस। एक सिचुएशन मैंने फर्स्ट में आपको डिस्कस की थी ए के साथ, कि जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, सॉरी, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, सेकेंड हमने किया था जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, वो ये था। अब इसमें क्या लिखा है, गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेलर को कुछ जतन करने पड़ेंगे, इन शॉर्ट कि उसको उसके बदले क्या मिल सके, पैसे मिल सके, ठीक है। इफ स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो ऐसे सिचुएशन में सेलर को क्या करना पड़ता है, गुड्स की ओनरशिप अभी वो नहीं है, क्या है, ट्रांसफर नहीं है, या फिर सेलर को क्या है, अभी उसका प्राइस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने अभी उसका वेट नहीं किया है, मेजर नहीं किया है उसको, गुड्स को, जिसकी वजह से उसको क्या मिल सके, गुड्स का प्राइस मिल सके। मतलब डिलीवरेबल स्टेट में तो है, लेकिन उसकी ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हो रही है, याद रखना, उसकी ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में दो चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे सपोज इसमें दो कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में, फॉर एग्जाम्पल टू कंडीशंस लिखना है इसमें। फर्स्ट, द सेलर हैज डन द एक्ट और थिंग विच इज नेसेसरी फॉर एसरटेनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स। अब प्राइस निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो गुड्स है उसको वेट करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा। सपोज अगर ये ऑयल वगैरह में डील करता है, गुड्स तो उसके पास भरपूर है, अपन जैसे ग्रॉसरी वगैरह का सामान लेने जाते हैं तो उनके पास गुड्स रेडी होता है कि नहीं होता है, बताओ, ग्रॉसरी समझ रही हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, किराना गुड्स की,
जब अपन लेने जाते हैं तो उनके पास कुछ अवेलेबल होता है कि नहीं होता है? होता है, बट उनको क्या करना पड़ता है, उसको मेजर करके हमको देना पड़ता है। तो ये वो वाली सिचुएशन की बात कर रहा है कि तुरंत हमको मेजर करके वो लोग देंगे। सपोज वाई को ऑयल सेल करना है 10 kg, ठीक है, तो किसको सेल करना है इसको, एक्स को। क्या करेगा वाई? उसको बताएगा, उसको तुरंत नापेगा और उसको दे देगा, खत्म। तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट में तो है, बट अभी उसका प्राइस आना बाकी है। तो जैसे ही कोई उसको खरीदने के लिए आ जाएगा तो वो डिलीवरेबल भी हो जाएगा और उसका प्राइस भी मिल जाएगा, ठीक। तो अनएसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स बी वेराइटी है। ये कौन सी गुड्स होते हैं? जो अनआइडेंटिफाइड है। फिर क्या है ये, इनको हम दे आर डिफाइंड बाय डिस्क्रिप्शन। इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? थ्रू द डिस्क्रिप्शन ओनली, या फिर बाय सैंपल। और इसमें फ्यूचर लिखा है, फ्यूचर की मीनिंग देखो, ये किसका बताया मैंने आपको, अनएसर्टेन्ड का। कौन से अनएसर्टेन्ड की क्या कंडीशन है कि फिलहाल अनआइडेंटिफाइड है और इनका डिस्क्रिप्शन मिलता है या फिर इसका सैंपल दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्यूचर गुड्स देखो। तो फ्यूचर गुड्स क्या हो सकते हैं? वो गुड्स जिसको अभी एक्वायर करना बाकी है और वो अभी पहली बार मैन्युफैक्चर भी नहीं हुए। हाँ, ऑर्डर दे दिए हैं हम, लेकिन उसका अभी मैन्युफैक्चर होना बाकी है। येट टू बी, है ना, येट टू बी मतलब होना बाकी है। क्या उसका एक्वायर मतलब उसको अपने हाथ पे लेना, और मैन्युफैक्चर मतलब उसका अभी तो उत्पादन ही स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब उसका प्रोडक्शन ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पे जो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जो ओनरशिप ट्रांसफर होगी वो कैसे होगी? इसमें दो कंडीशंस होंगी ओनरशिप ट्रांसफर होने की। द गुड्स आर आइडेंटिफाइड और एसर्टेन। ये काम किसको करना पड़ेगा? बायर को। तो बायर को गुड्स आइडेंटिफाई करके एसर्टेन करना पड़ेगा। दूसरा, जो गुड्स उसने यहाँ पे चूज किए हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो चूज किए थे उसके पास वही आने चाहिए और कोई नहीं आने चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनएसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? जो अनआइडेंटिफाइड हैं और इनको हम अगर परचेज कर भी रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको सेलर ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे पाएगा या फिर उसका सैंपल दिखा पाएगा, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है उस पॉइंट पे। दूसरा, फ्यूचर गुड्स लिखा है इसमें, फ्यूचर गुड्स देखो सेम वही कि अभी एक्वायर नहीं किया, अभी दिखाई नहीं है। दूसरा, मैन्युफैक्चर उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, उसका वो प्रोडक्शन होगा। तो ऐसी सिचुएशन पे जो ओनरशिप है बायर के पास कैसे जाएगी? जब गुड्स आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और एसर्टेन हो जाएंगे, मतलब गुड्स एक्वायर होंगे, मतलब जब गुड्स मैन्युफैक्चर होकर के आ जाएंगे, बायर उसको देखेगा, एग्जामिन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा मीन्स एसर्टेन करेगा। और दूसरा, गुड्स अब रेडी है किसके लिए? डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन गुड्स, कौन से गुड्स होते हैं? जो आइडेंटिफाइड है और रेडी है डिलीवरी के लिए, और जस्ट अपोजिट ये अनएसर्टेन गुड्स। कहीं पे कोई डाउट है एसर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स में? बताओ पहले मेरे को। नो मैम, क्लियर है? एसरटेन और अनएसरटेन में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लिखा है मैंने। मैं क्लियर कर रही हूं ना, नेक्स्ट देखो इसमें। यह है आपका सी पॉइंट,
सेल ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है. तो गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, ये क्या होता है बताओ? अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस क्या होता है? ये एक साथ रखना ना. गुड्स क्या है, सेंट कर रहे हैं कौन सा, अप्रूवल बेसिस पे या फिर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बताओ क्या होता है इसका मतलब? देखो क्या लिखा है, द प्रॉपर्ट गुड्स. कभी कभी क्या होता है, गुड्स जो सेल करते हैं अप्रूवल के लिए जाते हैं, जो परचेजर होता है, जो बायर है, उसके पास किसके लिए जाते हैं? अप्रूवल. वो देखेगा गुड्स को, उसको ठीक लगेगा, वो अप्रूव करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, सेल कहलाएगा. नहीं तो वो गुड्स को क्या करेगा, वापस भेज देगा, रिटर्न कर देगा. आ रहा है समझ में? ऐसे भी होते हैं ना सेल्स, जब हम गुड्स को भेजते हैं, सामने वाले को ठीक लगता है तो रखता है, नहीं तो वो उसको क्या कर देता है, वापस कर देता है. आ रहा है समझ में? यस मैम. तो ये वो था, ठीक है. तो जब गुड्स को सेल या अप्रूवल बेसिस पे भेजा जाता है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपन. सपोज या तो इसमें चार कंडीशन होगी, जो बायर है वो क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा या फिर एक्सेप्टेंस दे देगा, ठीक है. तो उसमें वो क्या करेगा, बायर मैसेज सेंड करेगा, ही सेंड द मैसेज, तो उसको क्या मिल जाएगी, उसकी ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बायर को ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगर वो उसका अप्रूवल कर देगा तो? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट देखो. या बायर, यहाँ पे तो वो देखो क्लियर कट अप्रूवल दे रहा है. फिर नेक्स्ट ये कंडीशंस अपन रीड करें ना. देखो हम जो भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. तो ओनरशिप कैसे मिलेगी बायर को, हम वो डिस्कस कर रहे थे इसके पहले भी और अभी भी. अब इसमें बायर क्या करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा, डज सम एक्ट, ठीक है, जिससे हम ये समझेंगे कि उसने उस ट्रांजेक्शन को एडॉप्ट किया, मतलब उसने एडॉप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन किया है. सपोज उसने उस गुड्स को रीसेल कर दिया हो, या उसने गुड्स को कहीं पे प्लेज पे रखा हो अपने कुछ पैसे के लिए. इट मींस अगर वो रीसेल कर रहा है, इट मींस कि बायर कंफर्म कर रहा है ना अपना परचेज फर्स्ट सेलर से, तभी तो वो सामने वाले को बायर क्या कर रहा है, रीसेल कर रहा है, ठीक है. तो कुछ ऐसा काम करना जिससे ये अज्यूम किया जाता है कि ये गुड्स तो बायर ने खरीद लिए, इसलिए अब उसकी क्या है, उसके पास ओनरशिप है. नेक्स्ट देखो, ये दो कंडीशन थी. तीसरी कंडीशन देखो, गुड्स रीजनेबल टाइम पे वापस नहीं किए गए, ठीक है, मतलब गुड्स के एक्सपायर हो गए है ना, एक्सपायर डेट हो गई, एक्सपायरी डेट, और उसने गुड्स वापस नहीं किए, तो सामने वाला तो यही एज्यूम करेगा ना कि उसने गुड्स को रख लिया है. इट मींस अब वो गुड्स किसका है, बायर का. तो अब ओनरशिप किसकी हो गई उसमें, बायर की. नेक्स्ट कंडीशन देखो, जब गुड्स को, ठीक है, बायर रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब फेल टू रिटर्न द गुड्स इन फिक्स्ड टाइम, ठीक है. उसने बोला था दो दिन में अगर आप नहीं बताओगे तो मैं वापस नहीं लूंगा, तो दो दिन हो गए सपोज, उसने नहीं बताया, तो अब गुड्स किसका हो गया, उसका हो गया. तो रिटर्न बेसिस या फिर अप्रूवल बेसिस इसको बोलते हैं, जिसमें हमने ये चार कंडीशन डिस्कस की. तो देखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तीन तरीके से मिलती है, एक एसर्टेन्ड गुड्स में, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं, जो डिलीवरी हो जाती है गुड्स की, तो गुड्स किसका हो जाता है, बायर का. फिर एक होता है अनएसर्टेन्ड गुड्स और फ्यूचर गुड्स, जिसमें मैंने दो कंडीशंस बताई थी. क्या बताई थी,
एक तो फ्यूचर गुड्स की मीनिंग बताई थी, अनएसर्टेन की मीनिंग बताई थी, फिर दो कंडीशन क्या बताई थी कि गुड्स को इसके लिए स्पेसिफिक में और डिलीवरेबल मोड में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, और दूसरा गुड्स क्या है डिलीवरी के लिए रेडी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब गुड्स डिलीवरी के लिए भी रेडी है और गुड्स अब स्पेसिफिक में ट्रांसफर हो गए, तो अब बायर उसको ले सकता है, इट मीन्स अब ओनरशिप किसकी हो गई, बायर की। और तीसरा हम ये पढ़ रहे हैं सेल ऑन अप्रूवल और सेल ऑफ रिटर्न बेसिस। तो ये तीन कंडीशन होती हैं जिसमें से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आई मीन ओनरशिप का पास होती है, किसके पास पास होती है, ओनरशिप बायर के पास। तो ये इसकी तीन कंडीशन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो इसमें अपन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, इसके पहले किसका था, सेलर था, वही ओनर था, वही गुड्स क्या कर रहा था, अपनी ओनरशिप पास कर रहा था किसको, बायर को, सेलर कर रहा था, और सेलर कौन था, ओनर था। अब टाइटल मींस ओनरशिप पास तो हो रही है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स मतलब जो बेच रहा है सेलर वो अब ओनर नहीं है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब ओनर ही ट्रांसफर नहीं कर रहा है टाइटल, कैसे हो सकता है, जो गुड्स आपका है ही नहीं आप दूसरे को कैसे उसको सेल कर सकते हो या दूसरे को उसके नाम पे कर सकते हो जब वो गुड्स आपका खुद का नहीं है। तो देखो उसमें कुछ कंडीशंस होंगी, देख क्या है, द जनरल रूल इज दैट ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स कैन ट्रांसफर अ गुड टाइटल। यही मैं बोल रही थी कि जो ओनर होता है वही गुड्स को दे सकता है, नो वन कैन गिव बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ इज। देखो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था ना आप लोगों को कल क्वेश्चन का, नो वन कैन गिव बेटर टाइटल, याद आया, कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने स्टार्टिंग में, फिर मैंने उसको बुलाया था कि उसके एक्सेप्शन डिस्कस करने, याद आ रहा है कुछ, बताओ हनी, अदिति, यस मैम, कल एक क्वेश्चन लिखवाई थी ना, क्या लिखवाई थी क्वेश्चन में, निकालो चलो क्वेश्चन पढ़ो, बताओ, नो सेलर ऑफ गुड्स कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ इज, लिखवाई थी कि नहीं, यस मैम, प्रशांत, यस मैम, लिखवाई थी कि नहीं, लिखवाई थी क्वेश्चन, नो सेलर ऑफ गुड्स कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, मतलब फिर इसके बाद लिखा था ना एक्सेप्शन बताओ इसके, तो ये है ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ये नो सेलर ऑफ गुड्स कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज लिखेगा और डिस्कस लिखेगा। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो, लेकिन अगर आपसे एक्सेप्शन पूछेगा, समझ में आ रही है बात, अगर एक्सेप्शन पूछेगा तो कौन सा डिस्कस करोगे, ये नॉन ओनर्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। देखो कंफ्यूजन है तो पूछ लो कि मैडम कैसे, अगर एक्सेप्शन पूछता है तो इट मींस क्या हो जाता है, वो उसका अपोजिट, यानी अब जो टाइटल ट्रांसफर कर रहा है वो कौन ट्रांसफर कर रहा है, नॉन ओनर्स। और सिर्फ अगर ये स्टेटमेंट देगा कि नो सेलर ऑफ गुड्स कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज डिस्कस, ठीक है, फिर अगर इसके साथ एक्सेप्शन भी बोलता है डिस्कस करने, तो इसके पहले हमने जो डिस्कस किए वो तीनों पॉइंट्स लिखोगे और एक्सेप्शन बोलेगा। तो अभी जो मैं बता रही हूँ नॉन ओनर्स के थ्रू कैसे टाइटल पास होगा बायर के पास, आ रहा है समझ में हम क्या कर रहे हैं क्लास में, यस मैम। देखो अब इसमें अब कैसे नॉन ओनर्स से कैसे मिलेगा,
The general rule is that only owner of goods can transfer a good title. ठीक है, तो no one can give a better title than he himself is. This rule is expressed by the maxim. देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना ये दे देगा, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, लैटिन वर्ड है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट. इट मीन्स that no one can give what he himself is not. तो ये आपको general rules जो भी मैंने बताए हैं वो discuss करने हैं. अब exception में क्या पढ़ेंगे देखो, पहला देखो क्या है exceptions इसके, sale by mercantile agent. ठीक, जब agent sell कर रहा है, agent वाले topic हमने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताओ. Yes, ma'am. तो एजेंट क्या होती है, एजेंसी. वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल करता है ना गुड्स को. Yes, ma'am. एजेंसी में क्या होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल किए जाते हैं ना गुड्स, सेल किए जाते हैं. तो मर्सेंटाइल एजेंट वाली सिचुएशन में ऑब्वियस है ना कि जो एजेंट गुड सेल कर रहा है वो किसके बिहाफ पे सेंड कर रहा है, प्रिंसिपल. तो रियल ओनर कौन है उस समय गुड्स का, प्रिंसिपल. और एजेंट तो उसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, सिर्फ सेल कर रहा है. ठीक है, तो देखो एजेंट ओनर नहीं है, फिर भी वो गुड्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. और जो परचेज करेगा उसको बेटर टाइटल भी देगा, मतलब उसको ओनरशिप भी वो दे देगा. किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे. देखो सेल बाय अ जॉइंट ओनर, जब एक ही गुड्स के दो ओनर हैं तो. नेक्स्ट देखो, सेल बाय अ पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज क्या वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कैन कन्वे अ गुड title provided the sales takes place before the voidable contract is avoided. Iska matlab koi bata sakta hai? Dekho, kisi ne do party hongi, X aur Y. X ne zabardasti na ye goods Y ko diye honge. Theek hai? To Y ke paas ye goods hain. Theek? ये एक्स देखो, ये एक फर्स्ट पार्टी है जिसके ये गुड्स होंगे. इसने जबरदस्ती ये गुड्स किसको सेल किए, वाई को. तो जब हमके हमारे साथ कोई फ्री कंसेंट नहीं होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है. ये मैंने डिस्कस किया है. अब वाई को तो रखना नहीं है, वाई क्या कर रहा है उस गुड्स को ना किसी को सेल कर रहा है, सपोज जेड को. मतलब मेरे को तो रखना नहीं है, मेरे लिए तो वॉइडेबल है क्योंकि उसके साथ समझो जबरदस्ती कोई दे रहा है पोर्शन करके या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके या किसी ने उसको फ्रॉड में सेल किया है. लेकिन ये वाई क्या कर रहा है, बोलता है इससे अच्छा मैं इसको सेल ही कर देता हूँ जिसको नीड होगी. तो जो जेड है वो परचेज करेगा, सब सिचुएशंस को जान के गुड फेथ में लेगा, किससे, वाई से. तो देखो वाई को तो रखना नहीं है क्योंकि वाई के पास ऑप्शन है वॉइडेबल का, फिर भी वाई सेल कर रहा है किसको, जेड को. तो देखो वाइज यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा है कि मैं रियल ओनर नहीं हूँ, फिर भी मैं इसको सेल कर रहा हूँ. तो जेड जो परचेज करेगा, जो बायर बनेगा फिर से, वो क्या करेगा, गुड फेथ में एक्वायर कर रहा है. इट मींस अब गुड की ओनरशिप किसके पास है, जेड के पास. तो हुआ ना ट्रांसफर ऑफ टाइटल. और यहाँ पे वाई खुद एज्यूम कर रहा है कि वो उसका ओनर नहीं है गुड्स का. क्लियर हुआ, क्या कंफ्यूजिंग है बोलो. बोलो ना क्या कंफ्यूजन है. मैम क्या, हाँ ऐसे बोलो ना. देखो सपोज एक्स के पास गुड्स, एक्स है कोई इस गुड्स का, उसने जबरदस्ती, ठीक है जबरदस्ती मींस क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है, वाई को गुड्स सेल किए.
ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है? वॉइडेबल होता है. वॉइडेबल ठीक है, वाई को अब जबरदस्ती रखना पड़ रहा है, लेकिन वाई एक रास्ता निकालता है. वो सोचता है कि मैं जेड को गुड्स बेच देता हूं. ठीक, जेड उसको ले लेता है पूरी सिचुएशन जान के वाई की. ठीक है, वो बोला कि मेरे को तो वैसे भी गुड्स चाहिए सपोज, है ना, ये एक एग्जांपल है जेड का. वाई को रखना नहीं है. ठीक है, वाई के साथ जबरदस्ती है और एक्स को तो सिर्फ बेचने से मतलब है. तो जेड क्या कर रहा है, वो गुड्स को वाई से ले लेता है गुड फेथ में, है ना, मतलब एक रिलेशन होगा या ट्रस्ट होगा. तो यहाँ पे वाई के लिए तो ऑप्शन है कि वो क्या है, वॉइडेबल है. तो लिखा है अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ. तो वाई ने गुड्स ऑब्टेन किए एक्स से. ठीक है, वो क्या था, वॉइडेबल था. क्यों? क्योंकि उसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन यूज हुआ है. ठीक है, तो प्रोवाइडेड द सेल्स टेक्स प्लेस, तो अब ये वॉइडेबल कर दे, उसके पहले ही इसको कोई मिल गया वाई को, जिससे वो जेड को क्या कर पा रहा है, सेल कर पा रहा है गुड्स को. तो रियल ओनर कौन है गुड्स का, एक्स. ले कौन रहा है, जेड. एक्स का काम भी हो गया और वाई भी बच गया. आ रहा है समझ में? यस मैम. नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये सब एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना. सेल बाय अ सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, क्या होगा इसका मतलब? बताओ, सेल बाय अ सेलर इसका क्या मतलब होगा, इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल. देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं. ठीक है, जो सेलर होता है उस गुड्स को, सेल बाय अ सेलर, उसने एक सेल की सपोज. ठीक है, सपोज एक गोल्ड है, एक सेलर है एक्स, उसने सेल कर दिया किसको, वाई को. सेल बाय अ सेलर, आफ्टर सेल बोल रहा है. ठीक है, तो उसने वाई ने उससे गुड्स कभी डिलीवर ही नहीं लिए, डिलीवरी नहीं ली उसने. एक्स ने वो गुड्स किसको सेल किए थे, वाई को. वाई ने उस गुड्स को कभी भी अपने पास रखे नहीं. ठीक है, तो एक्स उस गुड्स को किसी थर्ड पर्सन है उसको सेल कर रहा है, जिसका नाम है जेड. देखो, अ सेलर हैविंग सोल्ड गुड्स कंटिन्यूस इन पोजीशन देयर ऑफ, वो गुड्स उसी के पास ही रखे थे, उस गुड्स का पोजीशन उसी के पास ही था या टाइटल. द ट्रांसफर बाय सच पर्सन और मर्सेटाइल एजेंट. ठीक है, तो ये पास की स्पेलिंग क्यों गलत आ जाती है इसमें. टू द ट्रांसफर इफ सच लेटर पर्सन हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल. तो ऐसे सिचुएशन में दो ही चीजों पे सेल हो सकता है, एक तो सामने वाले से वो गुड फेथ पे ले रहा है और दूसरा उसको कोई जानकारी ही नहीं है प्रीवियस सेल की, विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल. ये बहुत कॉमन होता है बाइंग और सेलिंग में कि हमने एक गुड्स दूसरे को बेच दिया, दूसरा हमसे लेकर ही नहीं गया. ठीक है, भले तो सामने वाला सेलर क्या करता है, ठीक है आप गुड्स लेके नहीं चले गए, लिए नहीं, मुझसे किसी और ने मांगे, मैं अपने रिलेशन उसके साथ खराब नहीं कर सकता, मैंने उसको बेच दिए, तो मुझसे अपने पैसे वापस ले लो जो सेकेंड को उसने बेचे थे. ऐसा होता है कि नहीं होता है कॉमनली?